हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पूरा कटिंग मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ही लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा और ये मैन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा और मैं यहाँ पर 13.5 इंच टोटल लेंथ तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, उसकी भी मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से कटिंग करना है। और इसे मैं डीप नेक पर कट कर रही हूँ। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ में हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच हमें शोल्डर रखने हैं और आर्म होल्स लेने हैं 1.5 इंच, 5.75 इंच। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है, वो आएगा 9 इंच और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये हम आर्म होल में करते हैं डीप नेक में, और आर्म होल की गोलाई हमने इस तरीके से यहाँ पर दे दी है। कमर है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं जो बैक पार्ट में हम प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं 36 साइज़ के प्रिंसेस कट पार्ट की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रही हूँ, उसमें आप मैंने डिटेल में स्टिचिंग भी बताई हुई है। तो कटिंग के बाद आप अगर स्टिचिंग देखना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ स्टिचिंग की। और बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो अब हमें वापस से अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। अगर आपको यहाँ पर लेंथ कम पड़ती है तो आप इसे ओपन तरफ से भी रख सकते हैं, जैसे कि दूसरी तरफ से, तो वहाँ से आपको लेंथ बराबर हो जाएगी आपके अस्तर के कपड़े पर। और देखिए, प्रिंसेस कट में जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट के लिए। और अगर आप इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो 1/2 इंच आप अपनी तरफ से यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए लीजिएगा। बाकी आप इसे देखिए, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर बाकी सारी मार्किंग आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए करनी है। पर मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ तो मैं इसे यहाँ पर आगे की तरफ से बराबर करके रख लूँगी। तो 1/2 इंच हमने नीचे से लेंथ में एक्स्ट्रा ले लिया है, तो फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ हो गई है वो 15 इंच रहेगी। और अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को रख लिया है इसके ऊपर अच्छे से, और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एज इट इज़ यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है, सिर्फ लेंथ में हमने 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट के लिए साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए, यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये हमें प्रिंसेस कट में ज़रूरी होता है मार्जिन के अलावा इतना एक्स्ट्रा लेना। अगर आप नहीं लेते हैं तो उस स्टिचिंग करते समय आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, तो ये आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है वो हम स्टिचिंग के समय कट करके निकाल देते हैं जब हम फिटिंग डालते हैं ब्लाउज़ में। तो देखिए, हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। आर्म होल की जो गोलाई होती है वो आप स्टिचिंग के समय पर दीजिएगा, क्योंकि प्रिंसेस कट पार्ट में जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं तभी हमें आर्म होल की गोलाई देनी होती है। और यहाँ पर हम गले की विड्थ ले लेंगे, तो मैं इसमें डोरी नहीं लगाऊंगी, तो मैंने इसकी गले की विड्थ रखी है 2.25 इंच। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं। और नीचे से 2.5 इंच लिया है लेंथ में। और इस तरीके से पहले हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। अगर आप इसे हल्का सा फैलाना चाहें, थोड़ा डीप करना चाहें, तो हल्का आप यहाँ पर इसे गोलाई दे सकते हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वो हमें यहाँ पर विड्थ में लेनी है 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। ऊपर से लेंथ में ले लेना है आपको टक्स पॉइंट, 36 साइज़ में टक्स पॉइंट आपको लेना है 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर हमने मार्क किया है। और यहाँ पर विड्थ में मैंने एक मार्किंग इस तरीके से कर ली है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है, वो हम लेंगे 4.25 इंच, 3.75 इंच पर आपको मार्क करना है। और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है, देखिए इस तरीके से। अब आप इस लाइन को मिला दीजिएगा आर्म होल की तरफ। ये मेरा बहुत ही ईजी तरीका है कटिंग करने का, और इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है।
यहाँ से आपको टक्स के लिए लेना है 1.25 इंच, 1.75 इंच, और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। अब आपको हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर दे देना है इस तरीके से, और देखिएगा 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेना है। इसके बाद हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है, और यहाँ से भी हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से कट करना है, नीचे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए। देखिए पहले आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसे कट करना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। गले की कटिंग जब आप स्टिचिंग करेंगे तभी कट कीजिएगा, और बैक पार्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, स्क्वायर नेक, राउंड नेक या पॉट नेक, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको स्लीव्स कटिंग करनी है, तो जितना भी आपको स्लीव्स रखना है उतना आप कपड़ा फोल्ड कर लीजिएगा। अगर आप 36 साइज में बड़ी स्लीव्स निकालना चाहें तो अस्तर का कपड़ा आपको 1 मीटर लेना होगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रख लिया है, और 1.5 इंच यहाँ पर आपको बैक पार्ट का मार्जिन का छोड़ देना है। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ कर ये आर्म होल्स आपको नाप लेने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं 7 इंच, यहाँ पर आपको 1/2 इंच इसमें प्लस कर देना है, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देते हैं तो वो बढ़ जाता है। 7.5 इंच हम आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ रख रही हूँ मैं वो 5 इंच रख रही हूँ यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और जो आर्म होल्स नापे थे हमने 7.5 इंच, वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और पहले हम इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसे डाउन करना है आपको 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर आप इसे डाउन कीजिएगा इस तरीके से, और तिरछी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स का जो शेप होता है वो ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, और स्लीव्स राउंड जो है वो 13 इंच है, उसका 1/2 ले लेंगे 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का, और स्लीव्स की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव्स का जो शेप होता है वो अगर आपको नहीं आता है देना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है, सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लीजिएगा, और यहाँ पर इसकी गहराई दे दीजिएगा। अब आपको इन सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।